पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। राजपुत्र क्या हुआ? पता नहीं पापा, कुछ समझ नहीं आ रहा। जितना मैं कस के पकड़ने की कोशिश करूं, रेत की तरह सब छूटता जा रहा है। पापा, मेरी बच्ची जेल में है। कल से मेरे परिवार के पास ये घर नहीं होगा रहने के लिए। हमारे ऊपर इतना बड़ा कर्जा है, मैं सब अच्छे से ठीक करना चाहती हूँ, पर कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ पापा। ना ना ना, तो तू अकेली नहीं है। मैं हूँ ना तेरे साथ, तेरा बाप तेरे साथ में है। अरे हम सब तेरे साथ में है। ऐसे हिम्मत नहीं छोड़नी। तो खुद ही कहती है ना कि हम सब साथ में हैं तो सब ठीक कर लेंगे। तो तुझे हिम्मत रखनी है। हाँ, हिम्मत तो रख रही हूँ पापा। सब ठीक करना चाहती हूँ, पर कुछ ठीक हो नहीं रहा है। पता नहीं मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ क्यों नहीं हो रहा। पुत्र, रब है ना, रब पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारे अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। हाँ पुत्र, तू ठीक है ना तो हम सब भी ठीक रहेंगे। तू तो जानती है तुझ में हमारी जान है, जान बसती है तुझ में। पुत्र, तू ही ऐसे कमजोर पड़ जाएगी, तू ही ऐसे टूट जाएगी तो हमारा क्या होगा। पुत्र, तुझे सब संभालना है, संभालना है अपने आप को। पुत्र, हमारे लिए संभालना है। बोल, संभालेगी ना अपने आप को? संभालेगी ना, हिम्मत रखेगी ना? बोल पुत्र। हिम्मत रखूंगी, आप सही कह रहे हो। मैं ही तो हिम्मत हूँ ना, आपकी माँ की, बुआ जी की, पूरे परिवार की मैं हिम्मत हूँ। और मैं कभी नहीं हारूंगी, मैं हूँ आपके लिए हमेशा। बस पापा, आप ना ये माँ को, बुआ जी को, घर पे किसी को मत बताना कि मैं ऐसे रो पड़ी तो वो भी टूट जाएगी, उन्हें भी बुरा लगेगा ना ये सुन के कि मैं टूट गई। आप कुछ नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस? उन्हें कुछ मत बोलना, मैं ठीक हूँ। देखिए, मैं ठीक हूँ, नहीं बोलेंगे ना? हाँ पुत्र, प्रॉमिस। पुत्र, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं। हाँ, तो हिम्मत रख। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी मासी, पर प्लीज आप ऐसे रोइएगा मत। चल पुत्र, चल। अरे राजी, ठीक हो पुत्र? मैं ठीक हूँ पापा। नहीं 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 पुत्र, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे आराम की जरूरत है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं पुत्र, नहीं, चलो। चल चल चल, कोई टेंशन नहीं लेनी, घर जाके आराम करना। जानती हूँ कि आप सबको पैसों की जरूरत है, आप तो बहुत मुसीबत में, इसीलिए तो अपनी बेटी का इस्तेमाल किया पैसे लाने के लिए। अब माँ ने कहा होगा ना बेटी को कि जा अपने अमीर ससुराल से जाके पैसे चुराना। बेटी ने असली नोट नकली नोटों से बदल दी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।